के बावजूद दुर्भाग्य ये रहा कि इन स्थानों पर समय के अनुकूल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद के दशकों में इन स्थानों की राजनीतिक उपेक्षा ने देश का बहुत नुकसान किया। अब आज का भारत स्थिति को बदल रहा है। जब यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं तो कैसे यात्रियों में आकर्षण बढ़ता है, उनकी संख्या में भारी वृद्धि होती है और ये भी हम देश में देख रहे हैं। जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय साल में 70-80 लाख के आसपास ही लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद पिछले साल वाराणसी जाने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। इसी तरह जब केदार घाटी में पुनर्निर्माण का काम नहीं हुआ था तो वहां भी सालाना 4-5 लाख लोग ही दर्शन के लिए आते थे, लेकिन पिछले साल 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए गए। अगर मेरा गुजरात का पुराना अनुभव है, वहां का भी अनुभव आपसे शेयर करता हूं। गुजरात में पावागढ़ करके एक तीर्थ क्षेत्र है बड़ौदा के पास। जब वहां का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, पुरानी हालत थी, तो मुश्किल से 2,000, 5,000, 3,000 इतनी संख्या में लोग आते थे, लेकिन वहां जीर्णोद्धार हुआ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सुविधाएं बनी, तो उस पावागढ़ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद, नवनिर्माण के बाद करीब करीब 80,000 लोग वहां औसतन आते हैं। यानी सुविधाएं बढ़ी तो इसका सीधा प्रभाव यात्रियों की संख्या पर पड़ा। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उसके सराउंडिंग जो चीजें होती वो भी बढ़ने लग गई है, और ज्यादा संख्या में लोगों के आने का अर्थ है स्थानीय स्तर पर कमाई के ज्यादा अवसर, रोजगार स्वरोजगार के ज्यादा मौके। अब देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी उदाहरण दूंगा, ये प्रतिमा बनने के बाद एक साल के भीतर ही 27 लाख लोग उसे देखने के लिए पहुंचे। ये दिखाता है कि भारत के विभिन्न स्थलों में अगर सिविल एमिनिटीज बढ़ाई जाए, वहां डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो, होटल हॉस्पिटल अच्छे हो, गंदगी का नामो निशान ना हो, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो भारत के टूरिज्म सेक्टर में कई गुना वृद्धि हो सकती है। साथियों, मुझे आपसे बात करते हुए अहमदाबाद शहर में कांकरिया तालाब है,